आप हैरान होंगे ये कांग्रेस वालों की मोडस ऑपरेंडी क्या है। ये 20वीं सदी में जिस तरीके से खेल खेलते थे 21वीं सदी में भी उसी तरह से खेल खेलते हैं, लेकिन उनको मालूम नहीं है 20वीं सदी में उनको मोदी नहीं मिला था, 21वीं सदी में ये मोदी उनको मिला है, वो उनके सब खेल जानता है। मैं बताता हूं वो क्या करते हैं, ये आपको बड़ा इंटरेस्टिंग है, सुनने जैसा है, और मीडिया को भी जरा इंटरेस्ट पड़ जाए तो देखें ये क्या कमाल करते हैं, और मैं सारी सत्य घटना बताता हूं। मैं गुजरात में था तो ये कांग्रेस वाले झूठ बोलने में कितने माहिर है, लोगों की आंख में धूल कैसी झोंकते हैं और कितने बेपरवाह है, इसका नमूना बताता हूं। उन्होंने गुजरात में एक चुनाव में क्या किया, आदिवासी बेल्ट में पहुंच गए और आदिवासियों से फॉर्म भरवाए कि आप फॉर्म भर के दे दो, हम आपको जमीन का पट्टा देंगे और बदले में आदिवासियों से 100-100 रुपया मार लिया। नकली फॉर्म, नकली योजना, नकली काम, 100-100 रुपया मार लिया, रुपये कहां गए भगवान जाने, और आदिवासियों को भड़का दिया कि देखो मैं तुम्हें जमीन का पट्टा दे रहा हूं, मैं फॉर्म भर रहा हूं। जब आदिवासी सरकारी दफ्तर में गए कि हमें फॉर्म दिया है, 100 रुपया हमसे लिया है, क्या हमें जमीन का पट्टा कब मिलेगा, जब सरकार ने देखा तो आश्चर्य हुआ, फॉर्म झूठा, लोग झूठे और पैसे मारकर आदिवासियों को लूट के चले गए, अभी तक उनका आता पता नहीं है। दूसरा चुनाव आया तो क्या किया, उन्होंने एक बड़े मैदान में हार्डबोर्ड के मकान बनाए, तीन चार मकान बना करके उन्होंने उसमें बोर्ड लगाया कि हमारी सरकार आएगी तो ये मकान देगी, और लोगों को फॉर्म दिए और हर तहसील में बड़ी बड़ी कतार लग गई मकान लेने के लिए फॉर्म। बाद में पता चला 250-250 रुपया मार लिया, झूठे फॉर्म और मकान का एक हार्डबोर्ड का मॉडल बना करके रुपये मारते रहे। इस बार मैंने देखा राजस्थान में वो चालाकी करना शुरू किया है, लोगों के पास जाते हैं और 72,000 रुपये का फॉर्म भरवाते हैं कि आपको 72,000 रुपये मिलेंगे। लोगों को फॉर्म मिला और यहाँ की कुछ महिलाएं सरकारी दफ्तर में पहुंच गई, सरकारी दफ्तर में जाकर के पूछा कि भाई ये 72,000 कब मिलोगे, हमको फॉर्म मिला है। सरकार ने जांच की, ये यहाँ की सरकार के लोग, उन्होंने जांच की, बताया कि फॉर्म झूठा है, ये लेने वाले झूठे हैं, तो लोग रोने लगे, ये तो हमारे से 100 रुपया ले गया है। भाइयों बहनों, राजस्थान में ये चालाकी चलती होगी, ये झूठे फॉर्म भरवाते होंगे, आपसे पैसे मारते होंगे और आपको भड़काते होंगे। भाइयों बहनों, आपको मालूम है कर्ज माफी झूठ बोल करके वसुंधरा जी की सरकार जो जी जान से 5 साल से विकास का काम कर रही थी, आपको भ्रमित करके किसानों के नाम पर वोट ले गए और चुप हो गए, अब कर्ज माफी का नाम नहीं लेते, ये झूठ बोलने वाले लोग हैं।